प्यारे बच्चों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, शानदार होंगे, जिंदाबाद होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं आपको समय समय पर ऐसी जानकारी देता रहता हूँ जो आपके एग्जाम से रिलेटेड होती है, एग्जाम स्पेसिफिक होती है। ठीक है ना, आपका UP SSC, UPSC और साथ ही साथ SSC एवं अन्य आयोगों के द्वारा कंडक्ट कराई जाने वाली आगामी परीक्षाओं के बारे में पहले से आपको जानकारी देनी हो, या जो एग्जाम्स आपके हो चुके हों उनके बारे में आपको कोई भी अपडेट देनी हो, तो वो मैं आपको टाइम टाइम पे देता रहता हूँ। अब जो सबसे पहली जानकारी है वो आपकी ये है कि UPSSC आपका अपना आयोग, ठीक है, हालांकि आप लोग बहुत रोस्ट भी करते हो UPSSC को, लेकिन अगर हम देखिए पिछले 6-7 महीनों में उसकी कार्य प्रणाली को देखें तो मैं वास्तव में उससे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ हूँ उसकी कार्य प्रणाली को देखकर। लेकिन फिलहाल बात ये करेंगे कि UPSSC 2 फाइनल रिजल्ट जारी करने वाला है। ठीक है, अगले 10 दिन में 2 रिजल्ट आएंगे। सबसे पहला आएगा आपका जूनियर इंजीनियर का, लेकिन ये एग्जाम 2016 का है, ठीक है, ध्यान रखना, जूनियर इंजीनियरिंग का एग्जाम 2016 वाला, उसका फाइनल रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। और दूसरा जो है आपको फॉरेस्ट गार्ड का, ठीक है, ध्यान रखना, तो फॉरेस्ट गार्ड का जो है, ठीक है, ये फाइनल रिजल्ट नहीं है फॉरेस्ट गार्ड का, ये ध्यान रखना, लेकिन फॉरेस्ट गार्ड का जो रिजल्ट आपका आएगा तो वो आएगा भाई कि जो नेक्स्ट स्टेप होगा एग्जाम में, अब आप उस नेक्स्ट स्टेप के लिए मूव ऑन हो जाइए, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, ये जो आपका फॉरेस्ट गार्ड का जो रिजल्ट होगा वो आपका नेक्स्ट स्टेप के लिए होगा, ये बात क्लियर है। एक और जानकारी है भैया, वो कौन सी, कि वन दरोगा वाले अपनी रनिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, वन दरोगा वाले क्या करते हैं, वन दरोगा वाले अपनी रनिंग स्टार्ट कर दें। वन दरोगा के रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट आपको जल्द देखने को मिल जाएगा। इसके बाद रिजल्ट आने के बाद और आपको रनिंग के लिए कॉल तक के बीच में कम समय मिलेगा, ठीक है ना। और ये अधिकतर होता है, ठीक है, क्या होता है भैया कि जब हमको रनिंग के लिए बुला लिया जाता है ना, तो अधिकांश बच्चे जो रनिंग नहीं निकाल पाते उनका यही बहाना होता है कि सब टाइम ही नहीं मिला, तो भैया अभी कर दो आपके। और हाँ, जुलाई लास्ट या अगस्त तक आपकी रनिंग हो जाएगी, ठीक है, जुलाई लास्ट या अगस्त तक आपकी रनिंग हो जाएगी। ठीक है, स्कैनिंग पूरी हो गई है शायद बेटा, और जल्द ही आपको, ठीक है ना, फाइनल उसके आंसर की भी देखने को मिल जाएगी, किसकी, बंदरों का वाले एग्जाम की। ठीक है, ये बात क्लियर है। और आपका UPSSC जूनियर इंजीनियरिंग का रिजल्ट 2016 वाला आ रहा है। अब जूनियर असिस्टेंट को लेकर बात कर लेते हैं। जूनियर असिस्टेंट में जो आपकी अभी जो नियुक्ति आने वाली थी, वैकेंसी आने वाली थी, जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी, जो PET 2022 के थ्रू होने वाली थी, ठीक है, उसमें क्या है कि उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, उसमें से एकेडमिक हटा दिया है, सिलेबस में कुछ चेंज है, और उसमें यूपी स्पेशल व कंप्यूटर भी ऐड हो सकता है। ठीक है, या फिर मैं ये कहूँ कि भाई, जानकार तो ये कह रहे हैं, सूत्र तो ये कह रहे हैं कि भाई यूपी स्पेशल और कंप्यूटर तो उसके सिलेबस में ऐड होगा ही होगा, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये जानकारी आपको देनी थी। ठीक है जी, थैंक यू सो मच बच्चों। अगर आपने अभी तक, ठीक है, इस अपने परिवार को, ठीक है, फॉलो नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो कर लो। ठीक है, मैं आपको जानकारी देता रहता हूँ। मैं अपनी सभी प्रकार की जानकारी जो अभी तक मैंने दी, शत प्रतिशत सत्य होने का दावा तो नहीं करता, लेकिन हाँ, इतना जरूर बोलूँगा कि 99.99% जानकारी आप लोगों को बिल्कुल सही जानकारी दी गई। समय से पहले किसी भी एग्जाम की नोटिफिकेशन को आने से पहले ही आपको अवगत करा दिया गया, जिससे कि आप अपनी बेहतर तैयारी कर पाए। ठीक है, थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।